बात अगर शर्म की करें तो लड़कियां ही नहीं, लड़के भी पीछे नहीं हैं, क्योंकि जब खुद के बॉडी पार्ट्स की बात आती है, स्पेशली जब प्राइवेट पार्ट्स से रिलेटेड किसी प्रॉब्लम की बात आती है, तो वो उसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो वो उनका मजाक बनाएंगे, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता भी है। इसलिए वो अपने ना तो घर वालों से बात करते हैं और ना ही किसी डॉक्टर से मिलते हैं, और जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती चली जाती है। तो इसमें एक सीखने वाली बात यह है कि जैसे कहीं पे भी बॉडी में कोई दिक्कत होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, इसी तरीके से जो हमारे प्राइवेट पार्ट्स हैं उनमें भी अगर कोई दिक्कत होती है तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और सबसे पहले अपने पेरेंट्स से बात करनी चाहिए अगर इस तरीके की दिक्कत है तो। अब हम समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है फाइमोसिस का। तो पहले हम बात करते हैं छोटे बच्चों में कैसे होता है। तो छोटे बच्चे अगर वो 5 साल तक के होते हैं तो उस टाइम में धीरे धीरे स्किन पीछे होना शुरू हो जाती है, और किसी किसी में कम्प्लीटली पीछे होने लग जाती है, लेकिन किसी में जो हाफ जो हेड वाला हिस्सा होता है, तो मिड का ये जो पार्ट है, ठीक है, तो इसमें ये शाफ्ट होता है जिसको हम शाफ्ट बोलते हैं, आगे का हिस्सा जो होता है उसको हम बोलते हैं क्या, हेड, ठीक है। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें हो सकता है कि ये जो स्किन है ये बस इसका थोड़ा सा हेड दिखाई दे, बाकी ज़्यादा ना हो। तो 5 साल तक के बच्चों में धीरे धीरे पीछे होना शुरू हो जाती है। 10 साल के जब बच्चे होते हैं तो उनमें लगभग ये स्किन पूरी तरीके से पीछे जाने लग जाती है। किसी किसी में ऐसा नहीं होता है, किसी किसी में जब वो 17 ईयर तक जो पहुँचते हैं, मतलब अपनी प्यूबर्टी में आते हैं, उस टाइम में वो स्किन जो है पूरी तरीके से मूवेबल होती है, ठीक है, कि पूरी तरीके से ये जो स्किन है वो पीछे जाने लग जाती है। ओके, तो ये कंडीशंस है जिनकी वजह से बच्चों में ऐसा होता है। तो बच्चों में ये कॉमन है, बिल्कुल ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जैसे जैसे इनकी एज बढ़ेगी वैसे वैसे ये जो स्किन है वो भी धीरे धीरे मूवेबल हो जाएगी, जब तक वो सेक्सुअली एक्टिव होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं एडल्ट्स की। तो एडल्ट्स में भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि किसी किसी की जो स्किन है वो पूरी तरीके से आगे पीछे नहीं हो सकती है, ठीक है, उनका जो प्राइवेट पार्ट है उसकी जो मूवेबल स्किन है, मतलब जो आगे पीछे होने वाली स्किन होती है। देखिए, एक तो होता है शाफ्ट जिसके ऊपर जो स्किन होती है वो पूरी तरीके से नहीं आगे पीछे हो सकती, एक होता है हेड वाला हिस्सा। तो इसके ऊपर जो स्किन होती है ये वाली स्किन, तो ये पूरी तरीके से मूव कर सकती है, ठीक है, ये पूरी तरीके से मूव कर सकती है, आगे या फिर पीछे जा सकती है। लेकिन जब छोटा बच्चा होता है तो नहीं होता है, जैसे जैसे एडल्ट होते हैं तो ये होने लग जाती है नॉर्मल कंडीशंस में, एंड पूरी तरीके से ये स्किन पीछे जा सकती है इस तरीके से। ओके, एंड इसको, ये वाला जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं हेड, ठीक है, ये पीछे वाला हिस्सा जो है उसको हम बोलते हैं कोरोनरी सर्कस। तो जो पूरी तरीके से जो मूवेबल जो नॉर्मल मेल है उसमें पूरी तरीके से ये स्किन पीछे चली जाएगी, एंड ये जो हेड वाला हिस्सा है ये भी दिखाई देता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल कंडीशन है, लेकिन किसी किसी में ये पूरी तरीके से पीछे ना जाके आगे ही स्किन रह जाती है, बहुत ही टाइट स्किन होती है जिसकी वजह से पीछे की तरफ मूव नहीं करती है, तो उनको जो प्रॉब्लम होती है उसको हम बोलते हैं फाइमोसिस। तो अब हम समझते हैं कि कितने टाइप का हो सकता है। अब देखिए, टाइप में 0 से लेके 4 तक ग्रेडिंग की गई है, 0 ग्रेड, 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड, 4th ग्रेड, इस तरीके से, ताकि आपको इजीली समझ में आए कि प्रॉब्लम किस स्टेज पे है, कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है उसी के हिसाब से इसका इलाज भी किया जाता है, इसका ट्रीटमेंट भी होता है। तो चलिए समझते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए 0 ग्रेड, 0 का मतलब है कि जो स्किन है वो पूरी तरीके से मूव कर रही है, आगे पीछे हो रही है, जो फोर स्किन होती है वो, उसका जो प्राइवेट पार्ट है उसका हेड भी अच्छे से विजिबल है, एंड इसको बोलते हैं जो बिल्कुल एंड वाला हिस्सा होता है यहाँ, इसको बोलते हैं कोरोनरी सर्कस। तो अगर ये भी अच्छे तरीके से विजिबल है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत पेन होता है, अगर मतलब खिंचाव जैसा महसूस होता है, कहीं कहीं पे एडेशन है, मतलब कहीं से स्किन चिपकी हुई है थोड़ी बहुत, तो उसको बोलते हैं 0 ग्रेडिंग। इसमें क्या होता है कि कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, डॉक्टर क्या करते हैं या तो कुछ रिंग्स देते हैं जिनकी हेल्प से ये सब ठीक हो जाता है, या फिर कुछ क्रीम्स देते हैं जिससे कि सॉफ्ट स्किन हो जाती है और ठीक हो जाता है। अब जो 1st ग्रेड है वो भी कुछ कुछ 0 ग्रेड की तरह ही है, लेकिन इसमें क्या है कि जो स्किन है, देखिए इसमें भी स्किन पीछे जा रही है लेकिन टाइटनेस फील होती है, ठीक है, उसमें क्या था पूरी तरीके से पीछे जा रही थी लेकिन कहीं कहीं पे थोड़ी बहुत चिपकी हुई थी पीछे की साइड में, जिसमें थोड़ा सा टाइटनेस या फिर थोड़ा सा पेन फील हो रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि बहुत ही टाइट स्किन है, पीछे जा रही है पूरी तरीके से लेकिन बहुत ज़्यादा टाइट है, तो उनको क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि ड्यूरिंग जो कोइटस टाइम होता है, या फिर हम बोल सकते हैं रिलेशन बनाते टाइम, उनको पेन फील हो सकता है, और जब टाइट स्किन है तो इस वजह से उनको दर्द भी महसूस होगा। ओके, तो ये है 1st ग्रेड।
अब देखिए जो ब्लू कलर से मैंने बनाया है ये स्किन है कि इस तरीके से ये पीछे आ गई है। ओके, हेड पूरी तरीके से विजिबल है। अब जो सेकंड है उसकी हम बात करें तो इसमें देखिए ये जो स्किन है ये पूरी तरीके से पीछे की तरफ नहीं आ रही है। ठीक है, ये जो हेड वाला रीजन है पूरा विजिबल नहीं हो रहा है। कंप्लीट जो हेड है जो सर्कस तक जो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे हिस्सा बनाया था वहां तक ये पूरी तरीके से विजिबल नहीं है। ओके, तो ये सेकंड ग्रेड का होता है, इसमें भी खिंचाव महसूस होता है अगर ज्यादा इसको खींचा जाए तो दिक्कत होती है। तो ये होता है सेकंड ग्रेड का। अब थर्ड ग्रेड में क्या है कि जो ये हेड है ये बहुत ही कम विजिबल है, बहुत ही कम है, और जो स्किन है वो बहुत ज्यादा टाइट है। फोर्थ ग्रेड जो कि सबसे ज़्यादा भयानक है, इसमें क्या होता है कि सिर्फ जो पेशाब का रास्ता होता है ठीक है वही विजिबल है, वो भी बिल्कुल छोटा सा पॉइंट के जैसा ही दिख रहा है, बाकी जो पूरा हेड है वो स्किन के अंदर छुपा हुआ है और ये जो स्किन है बहुत ज़्यादा टाइट है तो ये पीछे भी नहीं जा सकती। अब आपको समझ में आ रहा होगा ठीक है कि कितने टाइप का हो सकता है। अब देखिए जो जीरो ग्रेड है तो मैंने बताया उसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, तो उसके लिए डॉक्टर दवाइयाँ भी दे सकते हैं, कुछ रिंग्स वगैरह दे सकते हैं जिनसे ये ठीक हो जाता है। अब जैसे जैसे स्टेजेस बढ़ती हैं फोर्थ ग्रेड थर्ड ग्रेड, इनमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि उनको सिर्फ दवाइयों से ठीक हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। बहुत कम केसेस हैं जिनमें दवाइयों से ठीक हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि उसमें सर्जरी की जाती है। अब सर्जरी क्या होता है, एक तरीके से सर्कमसीजन ही होता है कि ये जो आगे की जो स्किन होती है, ये जो स्किन है तो इसको कट कर दिया जाता है, यहाँ से कट लगा देते हैं तो थोड़ा सा ये जो सरफेस है ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा और ये इजीली मूवेबल हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से भी कर देते हैं, या फिर जो ये जो स्किन होती है इसको पूरी तरीके से ही रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, ये जो आगे की स्किन है इसको पूरी तरीके से ही रिमूव कर दिया जाता है, इसको कट कर दिया जाता है जिससे कि जो हेड है वो पूरी तरीके से विजिबल हो जाए और ये बार बार ये प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि किसी किसी को एक बार ठीक होने के बाद, जैसे फर्स्ट ग्रेड का है तो एक बार ठीक होने के बाद वो दोबारा भी हो सकता है। तो इसमें हाइजीन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए क्योंकि कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं जिनकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो हम इनको बात इनके बारे में बात कर लेते हैं कि किन कारणों की वजह से ये हो सकता है। तो देखिए कारण क्या हो सकते हैं कि एक तो पहला तो हाइजीन अच्छे से मेंटेन नहीं करते, उनको भी ये प्रॉब्लम हो जाती है कि जब नहाते टाइम जो स्किन है उसको पूरी तरीके से पीछे करके अच्छे से क्लीन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स एक्टिवेटेड होती हैं जो एडल्ट की बात करें तो उनमें, तो जिनमें एक वाइट कलर का डिस्चार्ज होता रहता है गाढ़ा सा, जिसको बोला जाता है स्मैग्मा, तो वो बहुत ज़्यादा जब इकट्ठा हो जाता है तो यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है। अगर पूरी तरीके से उसको क्लीन नहीं किया गया डेली तो वो क्या करेगा, यहाँ पे इन्फेक्शन कर देगा। इन्फेक्शन की वजह से भी एक बेलेनाइटिस के नाम की एक बीमारी होती है, प्रॉब्लम होती है, उस तरीके की प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाती है। अगर वो प्रॉब्लम हो गई है तो उसकी वजह से भी स्किन पीछे होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम फाइमोसिस वाली हो जाती है। अगर ये दोनों भी हो सकते हैं, किसी को ये प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से इन्फेक्शंस बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी कंडीशन है किन किन लोगों को ये हो सकता है कि हो सकता है किसी को बेलेनाइटिस की प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से ये हो गया हो, कोई इन्फेक्शन हो रखा है, दैट मीन्स जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो गई है कि स्किन पीछे की तरफ नहीं खिसक रही है। अब क्या हो सकता है, इनकी वजह से क्या हो सकता है कि किसी किसी को कैंसर भी हो जाता है अगर पूरी तरीके से ध्यान नहीं रखा जाए, बहुत लंबे टाइम से चली आ रही है ये दिक्कत, तो अपने घर वालों से बात कीजिए, जो भी जिसको भी आप बताना चाहें उनसे बात कीजिए, या फिर डायरेक्टली आप डॉक्टर से जाके मिल सकते हैं, उनको अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं, वही आपको सही तरीके से डायरेक्ट करेंगे। तो ये मजाक में लेने वाली बातें नहीं है, बहुत सीरियस बातें होती हैं, क्योंकि कभी कभी अब आप सोच सकते हैं कि अगर कैंसर है तो वो पूरा पार्ट भी निकाला जा सकता है। ठीक है, अब देखिए जो मैंने अभी बताया कि बेलेनाइटिस भी इसकी प्रॉब्लम हो सकती है, तो बेलेनाइटिस में क्या होता है कि ये स्वेल कर जाता है, जो आगे का हेड है वो वाला रीजन स्वेल कर जाता है, जिसकी वजह से भी स्किन आगे पीछे नहीं जा सकती है। किसी किसी में पैराफाइमोसिस हो जाता है, देखिए ये बहुत ही मैं आपको बताऊंगी बहुत ही डिफिकल्ट कंडीशन है पैराफाइमोसिस, पैरा मतलब पीछे। अभी मैंने बताया कि जो स्किन है वो क्या हो रही है, आगे की तरफ मतलब है, ठीक है आगे है जो कि पीछे नहीं हो रही है, लेकिन पैरा में क्या होता है, पैरा में जो स्किन है वो पीछे ही अटक जाती है, क्योंकि जो आगे वाला जो हेड वाला रीजन है वो स्वेल कर जाता है, सूज जाता है। ठीक है, किसी भी इन्फेक्शन की वजह से इसलिए ये प्रॉब्लम होती है। तो ये इन्फेक्शन कौन सा हो सकता है, बेलेनाइटिस भी हो सकता है, जिसकी वजह से जो हेड वाला रीजन है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, जलन होती है, टेंडरनेस हो जाती है, तो ये प्रॉब्लम होती है। अगर आप कहेंगे कि बेलेनाइटिस पे वीडियो बनाइए तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो जरूर बनाऊंगी।
नेक्स्ट एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि कुछ लोग क्या करते हैं, खुद ही डॉक्टर बनने की कोशिश करते हैं कि जो स्किन है उसको फोर्सफुली जबरदस्ती उसको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से भी क्या हो जाता है, वहाँ पे घाव बन जाता है और इन्फेक्शन होने के चांसेस और ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो स्किन है नॉर्मल ना होके और ज़्यादा चिपक जाती है। ठीक है, तो ये भी कंडीशन होती है। तो अपने आप डॉक्टर ना बने, डॉक्टर के पास आप जा सकते हैं। अब देखिए इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो बहुत ही भयानक प्रॉब्लम भी हो सकती हैं, जैसे कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, कि जो मेल का जो प्राइवेट पार्ट है उसमें बिल्कुल भी तनाव ना आए। ठीक है, ऐसा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि देखिए ये साइकोलॉजिकल बात है, अगर किसी को जिस तरीके से इरेक्शन आता है, ठीक है, जब वो सेक्सुअली बोलते एक्टिव होता है उस टाइम में, या फिर वो रिलेशन बनाता है उस टाइम में, तो जब उसका ऐसा मन होता है कि उसको रिलेशन बनाने हैं तो ऑटोमेटिक इरेक्शन आता है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो उसी तरीके से काम करता है और उसी तरीके से हार्मोन सीक्रेट होते हैं। ठीक है, ऐसा होता है। लेकिन अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से उसको पेन होगा, तो साइकोलॉजिकली आप सोच सकते हैं जिस चीज़ में आपको पेन होगा तो उस चीज़ को आप क्यों करेंगे। ठीक है, तो ऐसा होने की वजह से इरेक्शन होना ही बंद हो जाता है ऑटोमेटिक, क्योंकि अगर इरेक्शन होता है तो स्किन टाइट होती है, इरेक्शन की वजह से स्किन टाइट होगी तो उसको पेन फील होगा। ठीक है, तो एक तो आपको समझ में आ गया कि क्या हो सकता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, और क्या हो सकता है, किसी को बहुत ही बुरी हम बोल सकते हैं बीमारियां लग सकती हैं, जैसे कि किसी को कैंसर भी हो सकता है। अगर बहुत टाइम से ये प्रॉब्लम चल रही है तो अच्छे से हाइजीन का ख्याल नहीं रखा जाएगा, साफ सफाई नहीं हो पाएगी उस एरिया की, क्योंकि यहाँ पे इस एरिया के अंदर मैंने बताया यहाँ पे स्मैग्मा नाम की एक डिस्चार्ज होता है मेल के अंदर, ग्लैंड से सीक्रेट होता है कोई थिक सा लिक्विड, तो ये यहाँ पे इकट्ठा होता है, अगर रहेगा तो क्या होगा, इन्फेक्शन हो जाएंगे, क्योंकि उसको टाइम टू टाइम क्लीन करना जरूरी है। इन्फेक्शन होने की वजह से जो हेड वाला हिस्सा है उसमें स्वेलिंग आ जाएगी, उसमें इन्फेक्शन हो जाएंगे, अंदर भी इन्फेक्शन बढ़ता चला जाएगा, बार बार इन्फेक्शन हो रहा है तो उसकी वजह से भी कैंसर हो सकता है।